के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अब यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों, जिला अधिकारियों, CMO और T11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला किया। प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कोविड-19 बढ़ते मामलों के चलते वाराणसी जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। दोनों दिन बनारस पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ दूध, ब्रेड, फल और सब्जी की ही दुकानों को सुबह 10 बजे से खोलने की अनुमति मिलेगी। शराब की दुकानें और बार भी 2 दिन बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारा वीडियो पसंद आने पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।